प्यारे छात्रों, चलिए हम लोग चलते हैं मैथ्स पढ़ना। और मैथ्स में कौन सा एक्सरसाइज? तो ट्वेल्थ का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 ट्वेल्थ एनसीईआरटी से हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे पिछले वीडियोज में, पिछले क्लास तक के हम लोग देखे थे कि 6 नंबर और 6, 7, 8 तक के, यानी कि 8 नंबर हम क्वेश्चन दिए हुए थे। फिलहाल बहुत लोगों से बना है, बहुत लोगों से नहीं बना है। तो चलिए, 7 तक के जो वक्स था उसके आगे, 7 तो हम खुद एग्जाम्पल में देखकर बनवा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स, प्यारे छात्र देखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 है। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डीवाई बाई डीएक्स निकालना है। तो प्यारे छात्रों, अगर इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो एलएचएस में क्या लिखेंगे? तो डी साइन स्क्वायर एक्स बटा डीएक्स प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई बटा डीएक्स डी 1 बटा डीएक्स। अब जरा हम लोग यहां पे चैन रूल इस्तेमाल करेंगे और चैन रूल भी आपको बढ़िया से सोच समझना है कि चैन रूल जब इस्तेमाल करेंगे यहां पे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो प्यारे छात्रों, अगर ये है साइन स्क्वायर एक्स तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो जी बिल्कुल, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तभी तो ये फार्मूला पे बनेगा कि एक्स के पावर जो कुछ भी होता है एक्स के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ साइन एक्स का होल स्क्वायर था तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये नीचे वाला ऊपर गया तो डी साइन एक्स बटा क्या डी एक्स। फिर प्लस का प्लस लिखना है, कॉस स्क्वायर वाई है तो डी कॉस स्क्वायर वाई को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे प्यारे छात्रों? तो डी कॉस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर वाला फार्मूला डिफरेंशिएशन का जो होगा वो लग सकता है, लग सकता नहीं, लगेगा ही। डी फिर नीचे वाला ऊपर जाएगा कॉस वाई, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में प्यारे छात्रों? इसको बिल्कुल डी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ताकि ये फार्मूला पे बन जाएगा। कॉस एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ कॉस वाई है तो डी वाई के रिस्पेक्ट में, और नीचे वाला फिर से ऊपर जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स। और 1 का तो हम लोग जानते हैं कि 0 होता है। अब जरा एक और काम करते हैं, यहां साइन स्क्वायर एक्स है तो जब भी पावर में जितना भी रहता है उसको बाहर निकाल लेते हैं तो 2 बनेगा, और साइन एक्स के पावर कितना? साइन एक्स के पावर 1, क्योंकि 2 है तो पावर 1 बचेगा, इंटू साइन एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में जो होता है वो कॉस एक्स होता है। फिर प्लस कॉस स्क्वायर वाई का जब कॉस वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2 कॉस वाई। बिल्कुल, 2 जब बाहर निकाल लिए और कॉस वाई के पावर 2 में से 1 गया 1, इंटू कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, तो यहां हो जाएगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। अब जरा ऊपर से हम लोग मिटाते हैं इसको, तो ऊपर से जब मिटाएंगे तो 2 साइन एक्स कोस एक्स। प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे 11th का फॉर्मूला है, 11th में ट्रिगो पढ़े होंगे कि साइन 2 थीटा जब रहता है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 साइन एक्स कोस एक्स है, मतलब आरएचएस में है, उसको हम लोग एलएचएस लिख सकते हैं। तो यहाँ जब साइन 2 थीटा होता है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखते हैं, तो यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स है तो इससे ये लिख सकते हैं, मतलब साइन 2 एक्स, चूंकि यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स है तो इससे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इस इतना के पूरा के जगह पे आप ये लिख सकते हैं साइन 2 एक्स, और प्लस को इतना माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। और यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि वही रूल है, बशर्ते वाई है, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, तो इतना के जगह पे हम लिख सकते हैं फिर से साइन 2 वाई इंटू क्या प्यारे छात्रों? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आप देख पा रहे होंगे कि डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करना पड़ता है ताकि हमें डिफ्रेंसिएशन
करने में आसानी हो, डीवाई बाई डी एक्स का मान निकल सके। तो इसके इसलिए हम लोग करेंगे क्या, तो डीवाई बाई डी एक्स को एक तरफ रहने देंगे, माइनस साइन टू वाई डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा प्यारे छात्रों, तो यहां पर साइन टू एक्स किसमें तो माइनस में, और माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि dy by dx का जो वैल्यू आया है वो कितना आया प्यारे छात्रों, साइन 2x, और यहां पे जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है तो साइन 2y। तो ये इसका आंसर है, dy by dx बराबर साइन 2x, साइन 2x बटा साइन 2y। अब जरा आंसर को देखते हैं कि यहां पे क्या आंसर दिया हुआ है और फिर उसका वैल्यू क्या हो सकता है, तो देखते हैं आंसर से कुछ इसको करना पड़ेगा, सीधा सीधा मीनिंग आंसर दिया हुआ है। तो जी हाँ बिल्कुल आंसर दिया हुआ है साइन 2x बटा साइन 2y, गुड। तो एकदम एट टू द पॉइंट आप आंसर लाइए, अगर बहुत सारे बच्चों का ये बना हुआ था, बहुत सारे लोग बच्चों का नहीं बना हुआ था, तो आप इन चीजों को बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए कैसे बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 कुछ इस तरह से क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, 9 वाई बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करना होगा, यानी कि आप अगर को अगर सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आता है तो इन चीजों को एप्लीकेबल आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यानी कि अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 9 से लेकर जो भी आगे तक का क्वेश्चन है, या बोले तो लास्ट तक के जितना भी क्वेश्चन है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूशन बोले तो ये कि एक तरफ हम थ्योरी में लिखवाए होंगे 5.3 का, तो जो लोग अगर इसको नहीं देखे हैं आप प्लीज पीछे वाले वीडियोज को, आप 5.3 के थ्योरी वाले वीडियोज को आप देखिए, वहां पे वहां से आपको सब क्लियर हो जाएगा कि हमने सब्स्टिट्यूशन के जगह पे क्या पुट करने के लिए सिखाया है। तो वहां पे हम लोग सीखे हुए हैं कि कोई भी सब्स्टिट्यूशन रहता है उसके जगह पे उसको देखकर क्या पुट किया जाता है। पर छात्रों यहां पे आप देख पा रहे होंगे 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आपको हम सब्स्टिट्यूशन जो लिखवाए हैं उसमें आपको याद करना पड़ेगा कि अगर एक्सप्रेशन अगर 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x के जगह पे हम लोग पुट करते हैं tan थीटा, और हम लोग इसका यूज ट्रिगो में भी पढ़े हैं, इनवर्स ट्रिगो में, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हुए हैं। तो यहां पे पुट करेंगे क्या, x बराबर tan थीटा। अब ये चीज कहां से आ रहा है प्यारे छात्रों, तो आपको हम सब्स्टिट्यूशन में ही याद करवाए हैं, आपको सिखाए हैं कि अगर ऐसा रहेगा तो आप ऐसा पुट करेंगे। अब x के जगह tan थीटा का मतलब क्या है प्यारे छात्रों, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा के जगह पे अच्छा x बराबर tan थीटा अगर पुट करेंगे तब हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, x बराबर tan थीटा, तो हम आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है कि ये x बराबर जब tan थीटा है तो यहां हम थीटा बराबर tan इनवर्स x लिख सकते हैं, यानी कि जब x यहां जाएगा और थीटा बाहर निकलेगा तब tan के पावर इनवर्स चढ़ जाता है। तो इसका इस्तेमाल अब अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन इससे ये चीज लिखना आप सीख जाइए कि अगर x बराबर अगर tan थीटा है तो x बराबर अगर tan थीटा है तो यहां से हम जैसे अंदर वाले थीटा को बाहर करेंगे तो x कहां चल जाता है, उसके अंदर, तो इनवर्स चढ़ जाता है। अब हम लोग जो x के बराबर tan थीटा माने हैं इसमें रखना पड़ेगा, तो अब क्या होगा, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा x की जगह पर tan थीटा पुट करना है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और प्यारे छात्रों आपको हम हिंट्स के तौर पे आपको यहाँ पे जो भी फार्मूला यूज होगा हम आपको बताएंगे, हालांकि 11th के अगर आपको ट्रिगो अच्छा है तभी आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग वहां पढ़े थे कि साइन 2 थीटा का फार्मूला एक और होता है
टेन थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इलेवेंथ क्लास का फॉर्मूला है। तो टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना के जगह पे साइन टू थीटा लिख सकते हैं। y बराबर साइन इनवर्स साइन टू थीटा। प्यारे छात्रों अब आपको लग रहा होगा सर ये फॉर्मूला कहां से, तो ये इलेवेंथ में हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगो में। और वही नहीं, अभी अभी जो लिखे थे साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी होता है ये भी होता है। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के अनुसार हमें अलग अलग यूज करना पड़ता है। तो चूंकि मेरे पास जगह नहीं है तो इन फार्मूला को लिख के आपके सामने दिखाते हैं और फिर मिटाते हैं ताकि जगह नहीं है मेरे पास, तो आप इन चीजों को बिल्कुल नोट कर लीजिए कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। उसके आगे बढ़े प्यारे छात्रों, तो आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा होता है। जी हाँ बिल्कुल, आप पढ़े हैं ऐसे साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है थीटा, पढ़े है ना, यानी कि साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाता है और थीटा बच जाता है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए साइन इनवर्स साइन कटा तो वाई बराबर क्या बचा यहां पे, वाई बराबर टू थीटा, इसलिए y बराबर 2 का 2 छोड़े और थीटा का मान, इसीलिए यही हम चेंज कर लिए थे कि जब x के जगह पे tan थीटा रखेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा, तो थीटा जब बाहर निकलेगा तो tan इनवर्स x बचेगा, तो यहां y बराबर 2 tan इनवर्स x। जब इतना हो गया प्यारे छात्रों तो अब यहां पे कर देंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ कर देंगे। तो दोनों तरफ करेंगे तो इधर क्या बचेगा, ये dy है सॉरी y है, तो यहां हो जाएगा dy by dx बराबर d 2 tan inverse x बटा dx। अब प्यारे छात्रों हमें तो डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy by dx का मान निकालना है, तो ऑटोमेटिक dy by dx ही निकल रहा है, तो इसको एक तरफ भेजने का फंदा है नहीं, आप डायरेक्ट dy by dx निकाल लीजिए यहां पे। तो इसलिए dy by dx is equal to 2, जैसे ही बाहर निकलेगा तो अंदर बचेगा d tan inverse x बटा dx। और आपको हम बताए हुए हैं कि इनवर्स ट्रिगोमेट्री का क्या डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, इट मींस कि tan inverse x का डिफरेंशिएशन, cos inverse x का डिफरेंशिएशन, tan inverse x का डिफरेंशिएशन। तो जी हाँ आपको बिल्कुल याद है कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है, 2 तो ऑलरेडी बाहर है, अब इसका फॉर्मूला होता है 1 by 1 plus x square, ये फॉर्मूला होता है। तो इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन आया 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 by 1 plus x square, तो इस तरीके से ये मेरा आंसर हुआ इसका डिफरेंशिएशन का। यानी कि प्यारे छात्रों आप समझ गए होंगे कि जो इस एक्सरसाइज में आगे की जो क्वेश्चंस है वो आपको एक्सप्रेशन का यूज करना है, एक्सप्रेशन जैसा भी दिया रहेगा आप पहले प्लीज आप एक्स के जगह पे पुट करेंगे, जो एक्स के जगह पे पुट करेंगे उसका उल्टा वहीं पे भी कर लेंगे, यानी कि थीटा का वैल्यू इनवर्स करके वहां लिख लेंगे। अब जहां जहां एक्स है आप उन चीजों को पुट करने के बाद कुछ इलेवेंस का ऐसा फार्मूला यूज होगा जो फार्मूले पे रहेगा और फिर हम लोग उसको तोड़कर सिंपल फॉर्म में ला देंगे और सिंपल फॉर्म में लाने के बाद उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये था 9 नंबर क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम बताने वाले हैं और फिर आगे जो क्वेश्चंस है उसको फिर आपको यूज करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो सवाल है जरा इसका आंसर भी देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है इसका आंसर में, क्योंकि फिर नहीं होगा तो फिर देखते हैं कुछ मैच करना पड़ेगा इधर उधर करके। तो जी हाँ बिल्कुल सही है, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 10, वाई बराबर टेन इनवर्स ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जरा अच्छे से समझिए, आपको नहीं आएगा एक बार में दोबारा तिबारा बिल्कुल बार बार इन चीजों को देखिए समझिए जरूर आएगा, ऐसा कोई हार्ड है नहीं। y बराबर tan इनवर्स
y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यू 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये है, एक बार मैच कर लेते हैं क्वेश्चन। y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यू 1 माइनस 3x स्क्वायर, और बाद बाकी का भी है वो हमारे काम का नहीं है। प्यारे छात्रों, हम आपको लिखवाए हैं कि अगर सब्स्टिट्यूशन ऐसा रहेगा 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर रहेगा तो क्या पुट करते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको याद होगा कि पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे जो पुट करते हैं वो x बराबर tan थीटा पुट करते हैं, और जब x बराबर tan थीटा इसलिए हम लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब जहां जहां x है प्यारे छात्रों, आप पहले वहां पे पुट कर लीजिए tan थीटा, तो y बराबर क्या मिलेगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। प्यारे छात्रों, ये जो फॉर्मूला होता है वो tan 3 थीटा का होता है। जी हाँ, tan 3 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसके आगे तो आप खुद समझ लेंगे, खुद कर लेंगे। आप इसके जगह पर रखेंगे क्या, tan 3 थीटा, और tan से tan खत्म होगा तो y बराबर बचेगा 3 थीटा, और 3 थीटा का मतलब थीटा के जगह पर tan इनवर्स x, और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। तो बहुत इजी है, बसरते आपको जो प्रॉब्लम हो सकता है प्यारे छात्रों वो ये कि हम लोग क्या फार्मूला में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम थोड़ा थोड़ा आपको हिंट्स कर देंगे। यहाँ पे 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे tan 3 थीटा, और tan से tan इनवर्स कटेगा तो सिर्फ 3 थीटा का नीचे लिखिएगा y बराबर 3 थीटा, और थीटा के जगह पे फिर पुट कर दीजिएगा tan इनवर्स x, और फिर इसका dy/dx डिफ्रेंसिएशन कर दीजिएगा दोनों तरफ, तो आंसर आएगा इसका 3 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू मी आएगा 3 by, हाँ बिल्कुल है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इजी है। अब देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता है, तो यहाँ पे भी हम लोग पुट करते हैं tan थीटा। अगले सवाल का अगर बात कर रहे हैं हम तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 10 नंबर तक के तो बन जाएगा क्वेश्चन। आगे में कुछ फार्मूला का यूज होने वाला है, यानी कि प्यारे छात्रों अगर आपको हम सामने ले जाकर अगर क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चंस को करने के लिए आपको प्लीज ऐसा ही फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, तो हम वैसा फार्मूला को हम आपके सामने लिखवा देते हैं, तब कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहां तक तो सभी बच्चे कर लेंगे, लेकिन अब इसके बाद क्या फार्मूला यूज करना है वो चीजें इलेवेंथ की है, और इलेवेंथ की फार्मूला को शायद अगर आपको याद नहीं रहेगा तो यहां से ये पुट नहीं कर पाएंगे। मतलब कि यहाँ पे तो सब लोग कर लेंगे कि सर y बराबर tan इनवर्स, लेकिन इसका फार्मूला पता नहीं कि क्या होता है। पता है तब ना, tan 3 थीटा रख के tan से tan खत्म होगा तो y बराबर 3 थीटा, यानी पुट करने वाला भी लगभग सभी छात्र कर लेंगे, इसका उल्टा भी लिख लेंगे, उसको जगह पे भी रख देंगे, अब उसका फार्मूला यूज नहीं, फार्मूला नहीं पता होगा। तो चलिए, अब हम 10 नंबर तो क्लियर हो जाएगा, अब 11 नंबर का ऐसा ही हम फार्मूला लिखवा देते हैं, सिर्फ कि 11 नंबर में कौन फार्मूला यूज करना है, 12 नंबर में कौन सा फार्मूला यूज करना है, क्योंकि आप तो पुट कर लेंगे और पुट करने के बाद आप फार्मूला में फंस सकते हैं, तो उसको हम लिखवा देते हैं कि 11 नंबर में कौन सा यूज करना है। तो चलिए, 10 तक के तो हो गया, 11 नंबर में फार्मूला यूज करना है, वो यूज करना है आपको कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जस्ट मिनट, जरा हम देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन में कि सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या पुट करना है, क्योंकि 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो सब भी पुट करने वाला ही है, यानी यू बोले तो 5.3 का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट तक के क्वेश्चन, यानी कि 9 से जो स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन वो टोटली कहां तक, तो टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है, और 15 ही क्वेश्चन है,
और 15 क्वेश्चन के लास्ट तक के आपको पुट करके ही बनाने वाला है। तो अगर हम लोग यहां से 11-10 तक तो हो गया है पहले छात्रों, 11 में आप सबसे पहले क्या पुट करेंगे, तो 11 नंबर में x की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे। जैसे ही tan थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये फार्मूला होता है आपको, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। ये फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक मिनट, जस्ट मिनट, 11 नंबर में है ना, तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे cos 2 थीटा पुट करेंगे। ये फार्मूला होता है, जैसे कि इस तरह का फार्मूला यूज होने वाला है ना हर बार। तो 11 नंबर के लिए फार्मूला दे दिए, वैसे ही 12 नंबर में चलते हैं। 12 नंबर में प्यारे छात्रों आप x की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो x की जगह पे जो आप पुट करने वाले हैं वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे, तो शाइन इनवर्स है और ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोस इनवर्स, हाँ यहाँ पे भी हम लोग पुट करेंगे क्या। 12 नंबर वाला सवाल में भी x बराबर tan थीटा पुट करेंगे, राइट, x बराबर tan थीटा। तो x बराबर tan थीटा 12 नंबर वाले सवाल में पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी वही होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला किसका होगा, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होगा। लेकिन cos थीटा प्यारे छात्रों 12 नंबर में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोग 10th में पढ़े हैं कि cos को चेंज करने के लिए तो sin 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, क्यों इसके जगह पे cos थीटा प्यारे छात्रों 12 में नहीं रखना है, क्योंकि cos थीटा रखेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि पहले अगर cos इनवर्स रहता तब ना cos 2 थीटा वाला रखते तो cos से cos कट जाता। लेकिन 12 नंबर में सब चीज सेम है, लेकिन आगे जो है sin इनवर्स है, इसके आगे sin इनवर्स है, तो sin इनवर्स है, इसको हम लोग लिखेंगे sin 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो sin से sin कट जाएगा, अब बचेगा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो यहां 90 डिग्री माइनस और थीटा के जगह पे tan इनवर्स x, तो 90 का तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। यानी कि प्यारे छात्रों 11 और 12 को अच्छे से समझना है, जो पुट करने वाला जो चीज है वो सेम पुट करेंगे, फार्मूला भी सेम ही होगा, लेकिन 12 नंबर में ये नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि आगे जो है साइन इनवर्स है, जब आगे साइन इनवर्स है तो उसको साइन में चेंज करके लिखेंगे। यानी कि 10th में हम पढ़ते थे ना कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा है, तो इसको हम लोग ये वाला चीज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि पहले जो है साइन इनवर्स में है, तभी ना साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा, तो ये जो बचेगा फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। यानी 11 और 12 सवाल में सेम एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन सेम है, पुट भी सेम ही चीज करेंगे, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाकर क्या यूज करना है उस तरीके से करना है। तो हम आपको फार्मूला के तौर पे बता रहे हैं कि किस सवाल में क्या करना है, और सभी क्वेश्चंस को आप बनाकर ग्रुप में बिल्कुल सेंड करेंगे, तो खुद हमें पता चलेगा कि कितने लोगों को समझ में आया है। तो 12 तक के क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि मेन यहाँ पे फार्मूला लगाने वाला है। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 13 नंबर में y बराबर cos 2x बाई 1 प्लस cos x स्क्वायर है। तो हम पहले छात्रों बताए हैं 13 नंबर सवाल के लिए कि 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर रहेगा, तो यहां पे भी हम लोग tan थीटा ही पुट करते हैं। यहां पे भी जब हम लोग जो पुट करते हैं 13 नंबर सवाल में भी हम लोग x के जगह पे tan थीटा पुट करेंगे। तो x की जगह पे अगर tan थीटा पुट करेंगे तो बनेगा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फार्मूला होता है, ये sin 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। लेकिन 13 नंबर सवाल में आप देख रहे हैं कि पहले जो है वो cos इनवर्स में है, ये sin 2 थीटा होता है लेकिन पहले cos इनवर्स में है, तो इसको जगह पे ये यूज नहीं करेंगे, इसके जगह पे यूज जो करना है वो कोस में बदल के यूज करेंगे 90 डिग्री माइनस 2 थीटा।
यानी इसको कॉस में बदल के इसलिए करेंगे क्योंकि 13 नंबर सवाल कैसे है, तो कॉस इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा सवाल है, इसीलिए हम इसका फार्मूला तो ये होता है, लेकिन साइन में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको कॉस में बदल कर ये वाला इस्तेमाल करेंगे इसके लिए ताकि कॉस से और कॉस इनवर्स कट जाए, और हम लोग इनवर्स में ऐसा पढ़े भी हैं, अगर हम ऐसा यूज करेंगे कॉस इनवर्स कॉस 90 डिग्री माइनस 2 थीटा तो ये से ये खत्म हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो थीटा की जगह पर इसको बदल के टेन इनवर्स एक्स, तो 90 डिग्री का तो डिफरेंसिएशन जीरो और माइनस 2 का माइनस 2 रहेगा आगे, और टेन इनवर्स का तो हम लोग जानते हैं याद है टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डीवाई बाय डीएक्स बराबर आ जाएगा आंसर। यानी कि अब जो मेन चीज है आपको ये कि सबसे पहले तो याद रखना चाहिए कि क्या पुट करते हैं, अब उतना चीज रखने के बाद कौन सा फार्मूला सुटेबल होगा वो कैसे देखकर डिसाइड करेंगे, पहले वाला चीज कि वो कॉस इनवर्स में है तो हम लोग इसको कॉस में लाने का प्रयास करेंगे ताकि वो कट जाएगा और कटने के बाद सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए 13 भी बन जाएगा, जरा 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए 14 नंबर सवाल को समझते हैं। चौदह नंबर कि y बराबर साइन इनवर्स रूट साइन इनवर्स के अंदर 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले छात्र हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा तो x की जगह पे क्या पुट करते हैं साइन थीटा, तो जब x की जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये तो ठीक है लेकिन जब यहां पुट कर लेंगे तो फार्मूला कौन सा यूज होगा 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है टेंथ में कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का रूट क्या होगा कॉस थीटा। तो जी हाँ बिल्कुल इस फार्मूले के जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे साइन 2 थीटा पुट करेंगे, क्यों ऐसा क्योंकि x के जगह पे अगर जैसे ही टेन थीटा रखेंगे साइन थीटा रखेंगे तो 2 साइन थीटा और इसका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो कोस थीटा और 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा और हमको सही भी होगा, यानी कि इतना के जगह पे अगर साइन 2 थीटा रखेंगे तो साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचेगा ओनली 2 थीटा और थीटा के जगह पे साइन इनवर्स एक्स कर लेंगे और फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो बिल्कुल 14 भी बन जाएगा। जरा 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहां है 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1, तो अगर 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1 है तो हम लोग क्या पुट करेंगे 15 नंबर सवाल में। पंद्रह इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5.3 एक्सरसाइज, तो y बराबर यहां लिखा हुआ है sec इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पे जो हम लोग को पुट करना है वो कैसा पुट करना है सवाल, तो x के जगह पे cos थीटा पुट करना है पहले छात्रों, अगर आपको याद होगा तो हम लोग x के जगह पे क्या पुट करते हैं cos थीटा, तो यहां पे लिखिएगा x बराबर पुट करेंगे ये सब लिख देंगे सब में जो सिस्टमैटिक तरीके से मैथ बनाने का नियम है वो लिख देना पड़ता है कि पुट कर रहे हैं x बराबर cos थीटा फिर x के जगह पे cos थीटा पुट कीजिए, तो यहां पे उसके नीचे ये भी लिख दीजिए कि इसका उल्टा क्या होगा तो cos इनवर्स x होगा, और जब आप यहां पे लिखें रखेंगे तो बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां x के जगह पे cos थीटा रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो यहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस टू थीटा। तो यहां पे जैसे ही हम लोग यहां पे नीचे रख देंगे कॉस टू थीटा, तो चूंकि उसके पहले क्या है ये सेक इनवर्स, तो वन बाई कोस क्या होता है प्यारे छात्रों सेक होता है, तो सेक इनवर्स सॉरी सेक टू थीटा बन जाएगा। वन बाई कोस क्या होता है सेक होता है और यहाँ पे टू थीटा, तो टू थीटा रहेगा। तो अब इसके जगह पे जो हम लोग यूज करेंगे वो सेक टू थीटा यूज करेंगे। ऐसा यूज करने से सेक और सेक खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या टू थीटा बचेगा, और टू थीटा बचेगा तो टू और थीटा के जगह पे क्या रख देंगे कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन देख लेंगे। तो जैसे हम लोग पहले का दो क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर और 10 नंबर सिस्टमैटिक तरीके से बनाए हैं, कैसे कैसे यूज करना है, क्या फार्मूला पुट करना है, तो आपका आधा हम काम कर चुके हैं, यानी कि फार्मूला पुट करने वाला जो काम है वो हम पहले ही आपको कर चुके हैं। आपको बस काम करना है कि सबको सिस्टमैटिक तरीके से बना के आंसर को मैच करना है, और सभी का सभी आंसर मैच करेगा, खुद पे भरोसा रखना है और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, अच्छे से बनाना है, बिल्कुल सबका सही आंसर आएगा। तो इसी के साथ ये पूरा एक्सरसाइज समाप्त होता है, 5.3 बिल्कुल खत्म हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग 5.4 एक्सरसाइज का पहले थ्योरी देंगे, उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन है एक्सरसाइज का हम लोग करेंगे। तो धन्यवाद आपका।